सो आजकल का स्कूल एजुकेशन सिस्टम बहुत चेंज हो चुका है बच्चों। अब स्कूल्स में क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस ना करके स्कूल सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस की तरह चल रहे हैं, ठीक है। इसका एक हमें मेजर इम्पैक्ट दिखता है बच्चों पे कि आजकल के लाइफस्टाइल में या फिर आजकल के टाइम में बच्चे ज़्यादातर डमी एडमिशन्स पे फोकस करते हैं। बच्चे डमी एडमिशन्स लेके कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करने लगते हैं, ठीक है। क्या इन डमी एडमिशन्स का बच्चों को फायदा है या फिर इन डमी एडमिशन्स का स्कूल्स को फायदा है, ठीक है बच्चों। तो इस पॉइंट को हम लोग स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से और बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से देखेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या डमी एडमिशन से बच्चों को फायदा होता है या फिर स्कूल को फायदा होता है, ठीक है। तो मैं हूँ गौतम वर्मा फ्रॉम दिस वीडियो इज फ्रॉम आईमेट फाउंडेशन। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों कि डमी एडमिशन्स होते क्या हैं। देखिए, जब एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, ठीक है, और उसका एडमिशन डमी एडमिशन तब कहलाता है जब वो स्कूल में एडमिशन ले तो लेता है लेकिन वो स्कूल में क्लासेस करने नहीं आता है, ठीक है। हम इसे प्राइवेट एडमिशन भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें स्कूल में बच्चे का नाम तो रहता है बट स्कूल में बच्चा आता नहीं है, ठीक है। अब इस डमी एडमिशन को हम लोग स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्यों स्कूल डमी एडमिशन को अलाउ करता है। ठीक, देखिए, क्लास 11 12 के बच्चे बेसिकली डमी एडमिशन ज़्यादा लेते हैं क्योंकि वो प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करें क्लास 11 12 के सब्जेक्ट्स के बच्चों, तो क्लास 11th में हमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट और फिजिकल एजुकेशन हमें पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और ये सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए हमें प्रॉपरली एक टीजीटी टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टीजीटी वो टीचर्स होते हैं जिन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की होती है, ठीक है बच्चों। और हर स्कूल को टीजीटी टीचर रखने के लिए उनको एक अच्छी सैलरी पे करनी होगी, ठीक है। और क्योंकि जो स्कूल अपने एजुकेशन सिस्टम को एज ए बिजनेस की तरह ट्रीट करने लगा है तो वो टीजीटी टीचर को अब नहीं रखते क्योंकि उन्हें उनको ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो वो स्कूल ज़्यादातर डमी एडमिशन्स को अलाउ कर देते हैं बिकॉज क्योंकि डमी एडमिशन में बच्चे स्कूल आते नहीं हैं और टीचरों को उनको रखना नहीं पड़ेगा, जिस हिसाब से स्कूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। इसलिए स्कूल्स डमी एडमिशन को अलाउ करती हैं, ठीक है। तो ये तो था पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम स्कूल। अब हम बात करते हैं डमी एडमिशन का पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए, ज़्यादातर क्लास 11, 12 के बच्चे डमी एडमिशन लेते हैं, वो बोलते हैं कि हमें डमी एडमिशन इसलिए चाहिए ताकि हम कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन कर पाए, ठीक है। देखिए, कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करना बिल्कुल सही है बट कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन आप जब करते हो तो बच्चों उसकी वजह से आपके ऊपर भी एक इनडायरेक्टली डिसएडवांटेज होता है जो कि जो बच्चा कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है उसको मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है जो कि समाज द्वारा या फिर उसके इंस्टीट्यूट द्वारा उसको फील कराया जाता है, उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है, ठीक है। इस प्रेशर के बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन के लिए, कुछ बच्चे होते हैं जिनको कम टाइम चाहिए होता है प्रिपरेशन करने के लिए, बिकॉज हर बच्चा अलग है, हर बच्चे के पास अपने खुद का थिंकिंग कैपेसिटी है, सोचने की अलग अलग वे है, ठीक है। तो जिन बच्चों को कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन करानी होती है उनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर से गुजरना पड़ता है बच्चों, जिसकी वजह से कुछ बच्चे उसे झेल भी नहीं पाते और वो ज़िंदगी में गलत कदम उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट हमेशा दिमाग में होना चाहिए कि जब आप एक डमी एडमिशन लेके कॉम्पिटिशन पे फोकस करते हो तो उसका भी आप पे कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज होता है, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट कर ले कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया और अगर उन्होंने कॉम्पिटिशन क्रैक कर दिया तो उनका सक्सेस स्टार्ट हो गया, उनका सक्सेस मतलब उसी पॉइंट पे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, ठीक है। बट उन्हें ये नहीं पता बच्चों कि कॉम्पिटिशन को क्रैक करना इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप फॉर देयर सक्सेस। आप जब एक कॉम्पिटिशन को क्रैक कर लेते हो बच्चों तो आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप्स अपने सक्सेस की तरफ बढ़ते हो, ठीक है। सच में आपकी असली सक्सेस वाली स्टोरी तो स्टार्ट होती है कॉम्पिटिशन को क्रैक करने के बाद, ठीक है बच्चों।
तो जितना मेहनत आपने सिर्फ सारा की सारा मेहनत अगर आप सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में लगा दोगे, तो उसके बाद की जो लाइफ है, उसके बाद की जो कंपटीशन या फिर चैलेंजेस आएंगे, आप उन्हें झेल नहीं पाओगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर बच्चों ने क्रैक कर भी लिया आईआईटी जेईई, ठीक है, उसके बाद भी एक रिसर्च ने बताया है कि ऑलमोस्ट 60% बच्चे ड्रॉप आउट कर लेते हैं आफ्टर क्रैकिंग दिस एग्जाम्स एंड आफ्टर इन सेकेंड ईयर ऑफ दिस कॉलेजेस, जस्ट बिकॉज बच्चों, क्योंकि वो वहाँ के इन्वायरमेंट को झेल नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उस इन्वायरमेंट पे जब आप एक कॉलेज में जाते हो तो आपको ढेर सारे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, हर सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, आपको रिसर्च करना होता है, एनालिसिस करना होता है, देन आपको लॉन्ग टाइम एक ही प्रोजेक्ट पे काम करना होता है। बच्चों ये सारी चीज़ें एक डमी एडमिशन वाला बच्चा कभी भी झेल नहीं पाएगा। बट यही हम बात करें स्कूल एडमिशन वाले बच्चों की, तो क्योंकि स्कूल्स आपको ऑलरेडी बच्चों इतना सब कराता रहता है, प्रोजेक्ट्स कराता रहता है, रिसर्च एनालिसिस कराता रहता है, जिसके हेल्प से स्कूल वाले बच्चे इन सारे सिचुएशंस को इजीली हैंडल कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्यों एडमिशन वाले बच्चे ज़्यादा अच्छी ऐसी सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हैं, ऐसा क्या स्कूल हम लोग उन बच्चों को प्रोवाइड कराता है जिसकी वजह से वो हैंडल कर पाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए एक बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, ठीक है, तो स्कूल उसका टाइम मैनेजमेंट उसको सिखाता है, स्कूल उसको डिसिप्लिन सिखाता है, स्कूल उसको सोशल एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन सिखाता है बच्चों, ठीक है, कैसे उसे दूसरे बच्चों से मिलना है, कैसे वो दूसरे बच्चों से बिहेव करेगा, मिलेगा उन्हें चीज़, उनसे चीज़ें सीखेगा, उनसे लाइफ के बारे में सीखेगा। ठीक है, और स्कूल उनकी फ्रेंडशिप कराता है बच्चों, ठीक है, ये सारी चीज़ स्कूल प्रैक्टिकली चीज़ों को करा के दिखाता है, स्कूल डिफरेंट डिफरेंट सोशल एक्टिविटीज़ कराता है, ये सारी चीज़ें कभी भी एक डमी एडमिशन वाले बच्चों को नहीं प्रोवाइड करा जा सकती हैं। ठीक है, बट एक एडमिशन वाले बच्चों को कराई जा सकती है। ठीक है बच्चों, तो इतनी सारी ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप नेक्स्ट टाइम एक डमी एडमिशन के लिए जाइएगा। ठीक है, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डमी एडमिशन बच्चों। आई होप बच्चों आप क्लियर हो कि आपको डमी एडमिशन चाहिए या फिर आपको नॉर्मल एक एडमिशन चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। ठीक है बच्चों, हम लोग इस चैनल पे बच्चों और भी एजुकेशनल कंटेंट लाते रहते हैं। ठीक है, और आप चाहे तो आप हमें सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर सकते हैं ताकि आप हमसे जुड़े रहें और ऐसे